कैसे हैं आप लोग, स्वागत है इस वीडियो में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर के सेट में। बताना चाहते हैं, सूचनाएं आती हैं, आना जाना लगा रहता है। जीव जंतुओं को सुरक्षित पकड़कर पुनर्वास के लिए जंगल में छोड़ना आज का रेस्क्यू कॉल आया है। ये जलालाबाद है, पेट्रोल पंप के पास का स्थानीय निवास है। तो ये सर है, इन्होंने फ़ोन पर सूचना दी, ये जो गेहूँ गल्ला मंडी है यहीं पर वो सर घुसा है। तो सर एक बार नाम पता बता दो अपना। द्विवेदी जलालाबाद। तो वो जो सर्प है अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कौन सा सर्प है, वो जो पैकेट लगे हुए हैं उनके अंदर बैठा है। तो इन भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एक सर्प की जान बचाने के लिए। यहाँ के जो लोग हैं, सभी शिक्षित लोग हैं, इन सभी को दिल से सैल्यूट, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। जीव जंतुओं के प्रति दया रखने के लिए छुड़वाकर पुनर्वास के लिए जंगल में छुड़वाने के लिए लेते हैं 2-4 मिनट का वक्त। निकाल कर दिखाते हैं सर्प कौन सा है, फिर बताते हैं उस सर्प के बारे में। यहाँ पे लाइन लगाई, ओ बहुत ऊपर है। तो आप लोगों को बता दें, ये जो वो लगा दें गल्ला लगा है, गल्ले के अंदर चूहे अनाज को खाने के लिए और सर्प चूहों को खाने के लिए आना जाना लगा रहता है सर्पों का। तो खतरे की स्थिति बराबर बनी रहती है, आप लोग सावधानी बरतें। ऐसी जगह पर साफ सफाई का रखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, जो कुछ समय लगता है थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, उनको हटवा कर फिर सर्प को निकालें। वो है, वो है, बोलिए। और का पूरा नाग देखो बाबा का फिर लो बनो है गाय को ले तेरे नाग ना ले अरे आप वीडियो बनाओ ना 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 शाम डब्बा डब्बा दे हां विकास पे बस है ना जिला बना बना ना बढ़िया वीडियो अपनो का वीडियो बना रहे हो कौन देखो नाग है किसकी देख सकते हैं, ये इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, इसे हिंदी में नांग कहा जाता है। और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाने वाला ये सर्प जहरीला होता है। जब ये सर्प काट दे आप सीधे जिला अस्पताल जाए, इसको परेशान नहीं करना चाहेंगे, इसको लेकर चलते हैं जंगल में पुनर्वास के लिए। एक बार सभी पेमेंट दिखा दो। अभी भी बहुत बड़ा अंधविश्वास है, जब सर काट लेता है तो लोग गाड़कों के चक्कर पड़े रहते हैं, लोगों की जान चली जाती है। तो आप लोग ऐसी गलती न करें। ढक्कन दे दो, ढक्कन दे दो, ढक्कन पूरा खाए नाम जारी जय ना सेवन ले ना हां बेटा ऐसे मुझे कोई कैसे करना है। शास्त्र कैसे मिलेगी ठीक है इसमें यार ठीक है।
आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बना रखिए, जीव जंतुओं को बचाने में हमारी मदद कीजिए। जब भी कोई प्राणी या सर्प निकलता है आप लोग उसे बिल्कुल ना मारे, मारना अपराध है, गैर कानूनी है। तो इन्हीं बेजुबानों से हम आप लोग जिंदा हैं। ये पर्यावरण का बैलेंस बनाए रखने में जीव जंतुओं का रहना वातावरण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक सर्प मारने की सात साल तक की सजा का प्रावधान है। कोई भी आप सर्प मार दो, इनका रहना पर्यावरण में हमारे आपके लिए बहुत उपयोगी है। इन जीव जंतुओं का रहना पर्यावरण में, और जब जहरीला सर्प काट लेता है तो आप सीधे जिला अस्पताल जाए, वहीं आपकी जान बचेगी। ये झाड़ फूंक जड़ी बूटी मंत्र कुछ भी नहीं होता है, ऐसे में लोगों की जान चली जाती है। और इसके बाद में सर्प ना तो कभी दूध पीते हैं, सर्प एक बूंद दूध पी लेगा तो मर जाएगा। ना सर्प बीन पे नाचते हैं ना बदला लेते हैं, ये फिल्मी काल्पनिक प्रथा चली आई, लोग उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप लोग शिक्षित हैं, अंधविश्वास को बिल्कुल जड़ से उखाड़ कर फेंके लेके चलते हैं इसको पुनर्वास के लिए जंगल में, सभी लोगों को दिक्कत है। तो इन सभी लोगों को दिल से सैल्यूट, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ जीव जंतुओं के प्रति दया रखने के लिए। और इन्हीं सब बातों के साथ लेते हैं अलविदा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो सर्प अभी जलालाबाद पेट्रोल पंप के पास से जो अनाज की मंडी से रेस्क्यू किया, सुरक्षित वातावरण में आ चुके हैं, फिर रिलीज करेंगे। देख सकते हैं अभी भी, देख सकते हैं कितना ज्यादा गुस्से में है। ये निकलने का नाम नहीं ले रहा है, कह रहा है दादा हमें कहाँ ले आए। देख सकते हैं जैसे ही ये निकला अपने वातावरण में भागते हुए चला गया और धीरे धीरे विलुप्त हो गया है। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, जीव जंतुओं को बिल्कुल ना मारिए। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।